वेलकम टू द आशिमा शो। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आई हूँ कोरोना वायरस से जुड़े आपके कुछ सवालों का जवाब। कोरोना वायरस को लेकर बहुत से लोगों में भय बना हुआ है। YouTube पे तरह तरह की वीडियो भरी पड़ी है, पर साफ साफ जानकारी नहीं मिलती। मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको इस महामारी के बारे में अवेयर करने की, जागरूक करने की। जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है वर्ल्ड बिहाइंड अस का। उनका पूछना है कि क्या भारत सरकार कोरोना वायरस का टेस्ट फ्री कर रही है या फिर इनके चार्जेस हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई नो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के मन में है। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट लैब्स में ये टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन उनकी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के केसेस में वृद्धि देखते हुए ICMR ने अब कुछ प्राइवेट लैब्स को टेस्ट करने की मंजूरी दे दी है। टेस्ट करवाने से पहले ध्यान रखें, कुछ ICMR अप्रूव्ड लैब्स में ही कोरोना का टेस्ट हो सकता है और अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट लैब्स फ्री टेस्ट नहीं कर रही हैं। कुछ 1200 से लेकर 5000 रुपए तक चार्ज कर रही है। अच्छी बात यह है कि जहां पहले कोरोना वायरस के टेस्ट करने में 3 से 4 घंटे लगते थे, अब की एडवांस टेस्ट किट्स 5 मिनट में कोरोना का टेस्ट करने में सक्षम है। अगला सवाल है योगेश देशमुख जी का। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है योगेश देशमुख जी ने कि क्या हम स्टेज 3 पर हैं? स्टेज 3 का सीधा मतलब कम्युनिटी स्प्रेड, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति का कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाया जाना जो बाहर के ऐसे देश में नहीं गया जो इस वायरस से ग्रस्त है, ना ही किसी बाहर से आए व्यक्ति के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आया। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया स्टेज 3 में काफी पहले से एंटर कर चुका है। मुंबई के स्लम्स में कोरोना पॉजिटिव पाना, बिहार में 29 साल का रेलवे एम्प्लॉय का पॉजिटिव पाना, जैसे बहुत से एग्जांपल हैं जो प्रूफ करते हैं कि इंडिया स्टेज 3 में एंटर कर चुका है। हालांकि ICMR, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिया में उस स्तर पर कोरोना के टेस्ट ही नहीं हो रहा है जो साफ साफ पता चले कि भारत में कितने कन्फर्म केसेस हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एज ऑफ टुडे 30th मार्च तक भारत में मात्र 34,931 टेस्ट ही किए हैं। वहीं अमेरिका डेली 65,000 से ज्यादा टेस्ट कर रहा है और टेस्टिंग कैपेसिटी 1.5 लाख तक बढ़ाने पे काम कर रहा है। अभी तक अमेरिका में टोटल 9 लाख टेस्ट हो चुके हैं। अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए, अगर इंडिया में उस स्तर पे टेस्ट ही नहीं होंगे तो महीने बाद भी भारत स्टेज 3 में नहीं दिखेगा और अंदर ही अंदर कोरोना एक बड़ी आबादी को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अब अगला सवाल है भूमिका जी का। उनका पूछना है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से कितनी दूरी बनाए रखने में हम इफेक्टेड नहीं होंगे। बात रही कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज की, उनसे तो आपको मिलने ही नहीं दिया जाएगा। उनको आइसोलेशन में सबसे अलग रखा जाता है जहां उनका उपचार चलता है। और बात रही दूरी बनाए रखने की, इस वक्त लॉकडाउन के चलते पहली बात तो ये कि आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना है, और अगर किसी कारणवश जरूरी काम के लिए निकलना पड़े तो कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है। और ध्यान रखें कि अनावश्यक चीजें ना छुएं, क्योंकि ना जाने किसी मरीज के छींकने या खांसने से कोरोना वायरस वहां हो और आप तक पहुंच जाए। आपको पता ही होगा वायरस स्टील प्लास्टिक जैसी चीजों पर 8 से 10 घंटों तक जीवित रह सकता है। अगला सवाल है राशि शुक्ला जी का। उनका पूछना है कि ये तो बताया ही नहीं कि दुनिया भर में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, क्या उन सबका इम्यून सिस्टम कमजोर है? बाहर के देशों में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, ये सवाल बड़ा लाजमी है, क्योंकि आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज आर डेवलप्ड, उनका हेल्थ सिस्टम अच्छा है, फिर इतने लोग क्यों मर रहे हैं? एक बात आपको बता दूं कि चाहे कोई भी देश हो, इस वक्त हर देश में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हॉस्पिटल में बेड्स, इक्विपमेंट्स जैसे कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम पड़ गए हैं। तो इटली, स्पेन जैसे विकसित देशों में भी मरीजों को हॉस्पिटल में ही एडमिट नहीं किया जा रहा। दूसरा, यूरोपियन देशों की नेशनल एवरेज एज कहीं ज्यादा है। जर्मनी में वर्ल्ड में टॉप में 3rd नंबर पे 47.1, इटली 5वें नंबर पे 45.5, स्पेन में 42.7 है। मतलब ये कि यहाँ के देशों में बुजुर्ग लोगों की संख्या कंपैरेटिवली ज्यादा है। और आपको पता ही होगा कोरोना वायरस बड़े बुजुर्गों और जिनको पहले से अस्थमा, हेल्थ रिलेटेड डिजीज है, उनके लिए घातक है, लोग रिकवर नहीं कर पाते। इटली में तो ये हालत है कि 60 से बड़ी उम्र के लोगों को हॉस्पिटल के दरवाजे से ये कहकर वापस भेजा जा रहा है कि हमारे पास आपकी उम्र से कम के मरीज है
उनको बचाना ज्यादा जरूरी है। तो इतनी मौतों का रीजन इम्यून सिस्टम कमजोर होना नहीं बल्कि ऊपर बताए कारण है। दोस्तों सॉरी अगर आपका सवाल मिस हो गया हो। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द आशिमा शो पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगली क्वेश्चन आंसर वीडियो इंस्टाग्राम पे आए क्वेश्चन से करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।